सोशल मीडिया के नुकसान में से बहुत बड़ा नुकसान ये है, नई नस्लें तबाह हो रही हैं, नई नस्ल की तरबियत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, नई नस्ल सोशल मीडिया के तूफाने बला खैज में बही चली जा रही है, तालीम में दिलचस्पी नहीं, वालिदैन की इताअत नहीं, वालिदैन की फरमा बरदारी नहीं, बद अखलाकी। हम समझते हैं कि हमारा लड़का कमरे में तन्हा है, आराम से सो रहा होगा, लिख रहा होगा, पढ़ रहा होगा, हमें नहीं मालूम कि हमारे लड़के तक एक लड़की पहुंची हुई है। सच है कि हमने अपने घर की दहलीज पे दरवाजा लगा रखा है, कुफुल लगा रखा है, ये लड़की हमारे घर की दहलीज से नहीं आई, ये व्हाट्सएप के दरवाजे से पहुंची हुई है। हम समझते होंगे कि कमरे में हमारी बेटी हमारी बहन तन्हा है, लिख रही है, पढ़ रही है, इबादत में मसरूफ है, हमें नहीं मालूम कि उस तक एक लड़का पहुंचा हुआ है जो फेसबुक की दहलीज से पहुंचा है, फेसबुक के दरवाजे से पहुंचा है। इतना बड़ा इम्तिहान है ये नौजवानों के लिए, इतना बड़ा इम्तिहान है नई नस्ल के लिए, इतना बड़ा इम्तिहान है ये हमारी हमारी औलाद के लिए। जवानियां दागदार हो रही हैं, किरदार पे धब्बे लग रहे हैं, जवानियां बर्बाद हो रही हैं, नाजायज ताल्लुकात का एक सिलसिला, क्योंकि सोशल मीडिया क्या है, बेहयाई का स्टेज है, शहवतों का बाजार है, ये उरियानियत की दुनिया है, ये जहनी अय्याशी के हजार सामान इस पे मौजूद होते हैं। नई नस्ल पूरी तरह से सोशल मीडिया के फितने की जद पे, वालिदैन से गलती ये होती है कि वालिदैन उस वक्त बेदार होते हैं जब औलाद हाथ से निकल चुकी होती है, जब वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी होती है। औलाद से लाड़ प्यार करने का मतलब ये नहीं कि औलाद पे एहतिसाबी नजर ना रखें, हम उस वक्त होशियार होते हैं, बेदार होते हैं जब औलाद हमारी बिगड़ के हाथ से निकल चुकी होती है, बर्बाद हो चुकी होती है, और हमारी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत को वो नीलाम करने पे तुल जाती है। इसी तरह से सोशल मीडिया के इन्हीं नुकसानात में से एक नुकसान ये भी है कि सोशल मीडिया की वजह से हमारी और आपकी जिंदगी में खलवत के गुना बहुत होने लगे हैं। क्या है खलवत के गुना? तन्हाई के गुना। मैं लोगों के सामने बहुत अच्छा रहता हूं, खुद को दीनदार बताता हूं, अपने तकवे का मुजाहरा करता हूं, लेकिन जब रात आती है, तन्हा कमरे में बंद होता हूं, मेरे साथ कोई नहीं होता है, तो मैं मोबाइल का इतना गलत इस्तेमाल करता हूं, सोशल मीडिया का इतना गलत इस्तेमाल करता हूं, गाने सुनता हूं, मौसीकी सुनता हूं, फिल्में देखता हूं, बराहना मनाजिर देखता हूं। सोशल मीडिया की वजह से हमारे मुआशरे में खलवत के गुनाह बहुत आम हो चुके हैं, तन्हाई के गुनाह। आदमी लोगों के सामने तो बहुत अच्छा है, लेकिन तन्हाई में उसकी मामूलात अगर लोगों को मालूम हो जाए, वलियाज़ु बिल्ला, अल्लाहु अकबर, हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु की वो हदीस सामने रखनी चाहिए उन लोगों को जो खलवत में और तन्हाई में सोशल मीडिया का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल करते हैं। क्या है हदीस? हजरत सौबान रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल रोजे कियामत कुछ लोग आएंगे और अपने साथ तिहामा की पहाड़ियों के बराबर नेकियां लाएंगे, तिहामा की पहाड़ियों के बराबर नेकियां लाएंगे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी नेकियों को जाये कर देगा, आबा अमनसूरा परागंदा जर्रात की मानिंद कर डालेगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा कि अल्लाह के नबी सिफ़हुम लना, बताइए कि ये कौन लोग हैं, ये कैसे लोग हैं? आपने फरमाया कि वो तुम्हारे अपने भाई हैं, तुम्हारे अपने भाई हैं।
तुम ही में से हैं, और जैसे रातों में तुम उठकर कुछ इबादत करते हो, वो रातों में इबादत भी करते होंगे, लेकिन उनका मसला ये है, उनका गुनाह ये है, उनका जुर्म ये है, उनकी गलती ये है कि लकिन्नहुम कौमुन इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा। जब वो लोगों से अलग थलग होते हैं, तन्हाई में जाते हैं, तो अल्लाह ताला की हुरमतों को पामाल करते हैं। तो डरना चाहिए हर उस शख्स को जो तन्हाई में गाने सुनता है, म्यूजिक सुनता है, फिल्में देखता है, फहश और उरिया तस्वीर का मुशाहदा करता है, गलत इस्तेमाल करता है सोशल मीडिया का। हर ऐसे शख्स को डरना चाहिए कि कहीं वो कल रोजे कियामत इस वाहिद की इज्जत पे ना आ जाए कि तिहामा की पहाड़ियों के बराबर नेकिया हो और वो बर्बाद कर दी जाए, जाए हो जाए हमारी हमारी तन्हाइयों की गफलतों की वजह से और तन्हाई में होने वाली मासियतों की वजह से।